देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो अस्पताल और दूसरे अहम संस्थानों में बिजली किसी भी वक्त गुल हो सकती है। ये हम नहीं बल्कि समाचार एजेंसी पीटीआई ने दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन के हवाले से कहा है। जैन ने माना है कि मौजूदा स्थिति में बिना बाधा के बिजली सप्लाई करना बहुत लंबे समय तक संभव नहीं है, क्योंकि जिन 5 पावर प्लांट से दिल्ली को 30% तक बिजली की आपूर्ति होती है वहां कोयले की भारी कमी है। फिलहाल हालात यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में अघोषित कटौती का दौर शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने कहा है कि दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाले 5 थर्मल प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति कैसे होती है और अभी क्या हालात हैं। दिल्ली में बिजली की ABCD दादरी 2, ऊंचाहार, कहलगांव, फरक्का और झज्जर से मिलती है बिजली। सबसे ज्यादा 728 मेगावाट बिजली मिलती है दादरी पावर स्टेशन से। ऊंचाहार स्टेशन से मिलती है 100 मेगावाट बिजली। 5 पावर स्टेशन से मिलती है 1751 मेगावाट बिजली। जरूरत के हिसाब से NTPC से भी बिजली लेती है दिल्ली। अप्रैल में पहली बार 6000 मेगावाट पहुंची थी मांग। अप्रैल महीने की शुरुआत से अब तक 34% तक मांग बढ़ी है। गुरुवार को दिल्ली के बिजली मंत्री ने अधिकारियों की आपात बैठक की और हालात की समीक्षा की। सत्येंद्र जैन ने केंद्र को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करे। तो अभी कितना माने कि अभी बैकअप है या क्या? कोई बैकअप नहीं है। बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता, बिजली डेली बनती है। और बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। आज काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। बिजली बनेगी और हमें मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पावर प्लांट शटडाउन होगा तो बिल्कुल दिक्कत आ सकती है।